ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में देश भर के मेडिकल बंद, आज किया एक दिवसीय हड़ताल प्रदर्शन का। सरकार जल्द ही बंद करे ऑनलाइन फार्मेसी। जिस तरह से सरकार भारत को डिजिटल इंडिया बना रही है, उसी तरह हर चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, उसी तरह फार्मेसी भी ऑनलाइन की जा रही है। यानी आप अपने फोन से एप्लीकेशन में कौन सी दवाई चाहिए वो ऑर्डर करो और दवाई आपके घर पर। इस ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से मेडिकल स्टोर का व्यवसाय करने वालों को घाटा हो रहा है। इसकी वजह से आज पूरे देश में मेडिकल स्टोर बंद करके इस ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि सरकार इसे जल्दी बंद करे, नहीं तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना होगा। आज मेडिकल स्टोर पूरे भारत में जो ऑनलाइन दवा बिक रही है उसके विरोध में बंद है। क्या वजह है, किस कारण? सबसे पहली वजह तो ऑनलाइन दवा जो बिक रही है वो बिल्कुल अवैध है। सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, जबकि हर दवा व्यवसाय के लिए कानून जरूरी है, लाइसेंस लेना जरूरी है, और वो लाइसेंस के तहत जो भी उचित और सही कार्य होता है वो करता है। तो आज पूरे भारत बंद है? पूरा भारत बंद है, पूरे भारत के सभी केमिस्ट बंद है। एक दिन के लिए? एक दिन के लिए। रैली भी निकाली आपने? रैली निकाली आगरा गेट से। यहाँ अगर मांगे नहीं मांगी तो चरणबद्ध दो दिन तीन दिन और अनिश्चित काल के लिए हम हमारा बंद करेंगे। नाम आपका? मदन भाईती, सचिव अजमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन और राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ऑनलाइन फार्मेसी के विरुद्ध हम 24 घंटे का बंद रख रहे हैं। जिले के समस्त दवा विक्रेता आज अपने प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन फार्मेसी को तुरंत प्रभाव से बंद करें और उनसे होने वाले जो भी नुकसान है पेशेंट्स को, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करें। जैसे कि आप देख रहे हैं सरकार आपकी मांग में रोडवेज वगैरह कई आंदोलन पर उतरे हुए हैं, उनकी 11 दिन हो गए आज मांगों को निरस्त किया जा रहा है, अगर आपकी मांगें आगे नहीं रही तो क्या करेंगे? नहीं, आपको ये मालूम है ये दवा व्यवसाय है और हम हर पेशेंट को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं और जितने भी मरीज हैं उनको हम क्षमा याचना करते हैं कि हमारी वजह से उनको जो भी तकलीफ हो, ये हमारा व्यवसाय ज़रूर है, लेकिन एक साथ साथ ये मानवीय भलाई का कार्य भी है। तो हम 24 घंटे से ज़्यादा बंद रख के मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम सरकार से आगाह करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से ही तो बंद करें, वरना हमें मजबूर ना करें कि हम कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएँ, जिससे बाकी जितने भी मरीज हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे, उनको उनके स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचे। सरकार तक आपकी बातें मांगे पहुंचाने के लिए क्या क्या करेंगे आज? सरकार को मांगे ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं हम, साल भर पहले भी हमने एक दिन की स्ट्राइक करी। अब हमारी मजबूरी है कि हम मरीजों को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं कर सकते, वरना हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे तो पता नहीं क्या हो सकता है, कितने मरीज परेशान होंगे। आपका नाम? बिंदु।